हेलो गाइस, यह वीडियो सी के डेटा टाइप से संबंधित। सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेटा क्या होता है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द डेटा टाइप्स दैट आर अवेलेबल इन सी। थर्ड पॉइंट्स, डेटा टाइप्स के रेंज क्या होंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसी डेटा टाइप में क्या होगा, इसका डिस्कशन हम लोग रेंज ऑफ डेटा टाइप्स में देखेंगे। और एक छोटा सा एग्जांपल लास्ट पॉइंट में। फर्स्ट वी सी द, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेटा क्या है। व्हाट इज डेटा? द बेसिक फैक्ट इज डेटा एंड इट इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, नंबर, वॉइस, पिक्चर, इमेज, डिजिटल एटसेट्रा। अ गुड लैंग्वेज provides the facility to handle the maximum number of different data types of real life. C is one of the language that support different data. हमारे कंप्यूटर में वैसे लैंग्वेज जिसमें रियल लाइफ के बहुत सारे डेटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी हो, उसको हम बेस्ट कहते हैं। C में ऐसी फैसिलिटी है कि हम मैक्सिमम डेटा टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल डिफरेंट डेटा टाइप्स के यहाँ दिए हुए हैं, जैसे हमारा कैरेक्टर डेटा हो सकता है, नंबर डेटा हो सकता है, वॉइस डेटा हो सकता है, पिक्चर डेटा हो सकता है, इमेज डेटा हो सकता है, डिजिटल डेटा हो सकता है एट्सेट्रा। कम्युनिकेशन में डिजिटल और एनालॉग, ये दो तरह के डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं। कैरेक्टर डेटा आई मीन एनी अल्फाबेट्स दैट आर यूज, इट मे बी सिंगल कैरेक्टर और मोर देन वन कैरेक्टर। कैरेक्टर में आपका वैसे डेटा आते हैं जैसे इंडिया, दिल्ली, जॉन, ए, बी, सिंगल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। नंबर जैसे हमारा 123, 45.56, 999, 984.30 लाइक दैट। तो ये सब हमारे नंबर्स, इस नंबर्स में भी कई कैटेगरीज हो सकते हैं। जैसे हमारा ये जो नंबर है जिसमें डेसिमल यूज नहीं किया है 1, 2, 3, ये हमारा इंटीजर नंबर कहलाएगा। लेकिन यदि किसी नंबर के साथ हम डेसिमल पॉइंट लगा दें, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 984, कोई भी आप डेटा ले सकते हो 984.30, तो ये डेसिमल डेटा होगा। अब इस डेटा को एक्सेस करने का तरीका अलग होगा, इस डेटा को एक्सेस करने का तरीका अलग होगा। तो ये सब की वजह से इस नंबर डेटा के जो टाइप्स होंगे वो वैरी करेंगे। इस तरह के डेटा को हम इंटीजर डेटा कहेंगे, ऐसे डेटा को हम डेसिमल डेटा कहेंगे। डेसिमल डेटा के अंदर भी हम डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। वैसे ही पिक्चर डेटा हो सकता है, हमारा इमेज डेटा हो सकता है, डिजिटल डेटा लाइक 0, 1, 1, 0 लाइक दैट, ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, डिजिटल डेटा हो सकते हैं जो बाइनरी बिट के फॉर्म में दिखाया गया। तो ये सब डिफरेंट डेटा हमारे पास अवेलेबल्स है और सी में इसकी अच्छी लिस्ट है, या आप कह सकते हैं कि बहुत से वैरायटीज हैं जिसके थ्रू आप रियल लाइफ के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी ही नहीं, सी में आपका इनबिल्ट डेटा टाइप है, यानी कंपनी के द्वारा जो प्रोवाइडेड डेटा टाइप्स है वो भी है। यूज़र के द्वारा भी डेटा टाइप्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। इस डेटा को यहाँ पर यूज़ करने का रीज़न क्या है, या किसी लैंग्वेज में डेटा को यूज़ करने की क्या रीज़न होते हैं? तो जब भी हम किसी डेटा को यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट, रियल लाइफ प्रोजेक्ट यदि हम बना रहे हैं, तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में हम दो तरह के काम करते हैं। एक हमारा होता है इंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें प्रोवाइड होगा दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड। और डेटा को हम जिस तरह से हैंडल करेंगे और जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसके डेटा को हैंडल करेंगे वो कहलाता है हमारा बैक एंड। तो किसी प्रोजेक्ट को यदि आप डील करते हैं तो हमें दो चीज़ों को एक्सेस करना होता है, और वहाँ चूँकि डेटा काफ़ी अधिक होता है, यूज अमाउंट में डेटा होते हैं, तो
हमारे जो लैंग्वेजेज होते हैं जनरली उस लैंग्वेज में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रॉपर एक्सेस करने की फैसिलिटी नहीं होती है। इस वजह से हम डेटा को हैंडल करने के लिए एक काफ़ी ही अच्छे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ओरेकल हमारा डेटाबेस है, या आप यूज़ कर सकते हैं SQL, यूज़ कर सकते हैं SQL सर्वर, यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। एक्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS Access, ये भी आप डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस में सिक्योरिटी की फैसिलिटी कम होती है। ओरेकल में सबसे ज़्यादा डेटा की सिक्योरिटी होती है, SQL सर्वर में भी हमारे डेटा की सिक्योरिटी है, लेकिन ओरेकल में सबसे ज़्यादा हमारे डेटा की सिक्योरिटी होती है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं डेटा को हैंडल करने के लिए बैकएंड में, जिसमें हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। यदि काफ़ी सिक्योर डेटा हो, लाइक बॉर्डर से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड डेटा हो, तो वहाँ जनरली हम लोग ओरेकल को पहले प्रीफर करते हैं, देन SQL सर्वर और अदर जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। जनरल यूज़ के लिए हम MS Access यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि MS Access की कॉस्टिंग कम है, जबकि ओरेकल का कॉस्ट ज़्यादा है। तो इसकी कॉस्ट की वजह से और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने डेटाबेस को हैंडल करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को मैसेज जो भी हमारे लाइक सुटेबल हो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शंस कैसे देंगे, उस डेटा को कैसे मैनिपुलेट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब की जो कोडिंग होगी वो हमारा इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होगा, और इस इंस्ट्रक्शन के लिए जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड। तो ये मेरा फ्रंट एंड का पार्ट होता है, और ये मेरा किसी प्रोजेक्ट का ये फ्रंट एंड होता है और ये बैक एंड होता है। अब वैसा लैंग्वेज जैसे कि PHP हो गए या अदर हमारे सॉफ्टवेयर्स हो गए, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हम इस तरह के बैकएंड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास सी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप मैक्सिमम डेटा को सी लैंग्वेज के डेटा से भी हैंडल कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं हम और भी इसमें अच्छे तरह से डेटा को हैंडल करें, तो आप ओरेकल के डेटा, SQL डेटा और MS Access डेटा, इवन Excel डेटा, किसी भी तरह के डेटा को आप इसी में इंपोर्ट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सब तरह की फैसिलिटी है, आप अपना डेटा टाइप भी बना सकते हैं, यहाँ इनबिल्ट डेटा टाइप भी बना हुआ है, और आप चाहें तो किसी दूसरे बैकएंड सॉफ्टवेयर के डेटा को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और उसको हैंडल कर सकते हैं। ये इसकी ब्यूटी है सी लैंग्वेज की, जिसमें हम मैक्सिमम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है, हम डेटा को क्यों स्टोर करते हैं, इतनी प्रायोरिटी हम क्यों देते हैं। तो इसके पीछे दो रीज़न है कि हमारा जो IT सेक्टर है वो टोटली बेस्ट है इस डेटा एक्सेसिंग पर। अब डेटा क्यों रिक्वायर्ड है, तो जैसा कि हम जानते हैं, यदि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो किसी टॉपिक पर और किसी इवेंट पर या किसी भी चीज़ पर, तो आपको डेटा या इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये डेटा तो हमारा बेसिक फैक्ट है, लेकिन इंस्ट्रक्शन हमारा वैसा डेटा होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है। जैसे रैंक हमारा एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि रैंक हमारा डेटा के साथ साथ, जैसे हमने लिखा कि BPSC में XYZ को थर्ड रैंक मिला, तो BPSC के एग्जामिनेशन में सबसे हाईएस्ट मार्क्स में ये तीसरे पोजीशन पर है, यानी इसके पहले दो हाईएस्ट मार्क्स हैं और इसका तीसरा पोजीशन है। तो ये डेटा तो है, थर्ड हमारा डेटा हो गया, मगर उसका पोजीशन भी इसके साथ इंक्लूडेड है कि वो किस पोजीशन पर है। तो रैंक जो हमारा है वो डेटा के साथ साथ इसके मीनिंग भी इंक्लूडेड है, इसलिए इस तरह के डेटा को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और
बेसिक डेटा, फॉर एग्जांपल हम आपको बताना चाहते हैं, ये हमारा एक न्यूमेरिक डेटा है, आप कह सकते हैं कि ये हमारा एक इंटीजर डेटा है, लेकिन इस इंटीजर डेटा का मीनिंग क्या है हम नहीं बता सकते। ये किसी का गाड़ी नंबर हो सकता है, हाउस नंबर हो सकता है, किसी का रोल नंबर हो सकता है, तो ये हमारा बेसिक डेटा है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यदि इस डेटा को हम कुछ इस तरह से फॉर्मेट कर दें, तो अब आप समझ सकते हो कि यह एक डेट है जो बता रहा है 30 जून 2023। तो अब यही डेटा हमारा मीनिंगफुल हो गया, इसलिए 30/6/2023 ये हमारा बेसिक फैक्ट है, इसलिए ये सिर्फ एक डेटा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये हमारा एक इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डेटा के साथ इसकी कुछ मीनिंग भी छिपी हुई है, इसके साथ कोई मीनिंग नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसको कहते हैं बेसिक डेटा, और ये कहते हैं मीनिंगफुल डेटा जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों लिया, तो हमारा आईटी सेक्टर, जो हमारा आईटी सेक्टर है वो किसी सिस्टम के थ्रू गाइडेड है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी भी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए उसके इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मैनेज करना होता है। ये इंफॉर्मेशन हमारा काम का चीज़ होता है, और इसी इंफॉर्मेशन की बेसिस पर वी कैन टेक द डिसीजन, हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो डेटा हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जितना ह्यूज अमाउंट में डेटा होगा, करेक्ट डेटा होगा, बेस्ट डेटा होगा, उतनी ही हमारी इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी, और जितनी हमारी इंफॉर्मेशन बेस्ड होगी हमारा डिसीजन उतना ही अच्छा होगा। तो ये हमारा काम होता है डेटा को, और डे टू डे लाइफ में, एप्लीकेशन में, कहीं पर कैलकुलेशन हो गए, यहाँ भी हमें डेटा की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट को देखते हुए हर लैंग्वेज में डेटा को हैंडल करने की फैसिलिटी दी जाती है। अब बेसिक डेटा क्या है, उस बेसिक डेटा को हम कैसे उस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको हम हैंडल करेंगे, इसी के लिए हमारा डिफरेंट डेटा टाइप्स बताया जाता है। तो ये जो डेटा हम बता रहे हैं, बेसिक डेटा को आप कैसे रखोगे, उसके टाइप कितने होते हैं, तो बेसिक डेटा हमारे पास जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कैरेक्टर डेटा हो सकता है जिसमें अल्फाबेट आते हैं, नंबर हो सकता है जिसमें न्यूमेरिक डेटा आते हैं, वॉइस ऑडियो डेटा, पिक्चर डेटा, आप किसी का पिक्चर या इमेज रख रहे हो, इस तरह के डेटा होते हैं। इन सारे डेटा को हम बेसिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही हमारा डेटा है, और डिफरेंट टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा का डिफरेंट डेटा टाइप्स पर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप्स। अभी हम लोगों ने देखा कि डेटा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पर अब कितने तरह के डेटा होते हैं इसी को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत से किताब में आपको इसके डिफरेंट डेटा टाइप्स बताए हुए हैं, अच्छी तरह से बताए हुए हैं, यहाँ भी चूँकि हमें एक इंट्रोडक्शन देना है डेटा टाइप्स का, और डेप्थ नॉलेज तो आपको किसी टेक्स्ट बुक से ही मिलेगी, या इंटरनेट से आप उस पर्टिकुलर डेटा को हैंडल कर सकते हो, कोई भी वीडियो कंप्लीट डेटा टाइप्स को नहीं बता सकते हैं। आप बहुत सारे डेटा टाइप के वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं, कभी भी कंप्लीट नहीं बताते हैं। आप किसी टेक्स्ट बुक को ले लीजिए, किसी भी राइटर्स के टेक्स्ट बुक को लीजिए, वहाँ पे डेटा का पूरा डिटेल्स होता है। हम यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं डेटा को, और कितने तरह के डेटा होते हैं वो हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेटा टाइप्स जो है वो हमारा सी में ब्रॉडली दो पार्ट में बटा हुआ है, एक को कहते हैं प्रिमिटिव और दूसरे को कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा कहने का मतलब हो गया वैसा डेटा जो डेटा हमें उस लैंग्वेज के थ्रू मिलता है, उस लैंग्वेज के द्वारा मिलता है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब आप कोई व्हीकल्स परचेज करने जाते हैं, तो व्हीकल्स के साथ कुछ
टूल्स मिलते हैं, वो टूल्स कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं, लेकिन उतनी ही टूल से हमारा काम नहीं चलता है। हम कुछ और एक्स्ट्रा टूल्स भी यूज़ करते हैं जो उसी की बेसिस पे हो सकता है या कुछ नए हो सकते हैं। तो जो कंपनी के द्वारा डेटा प्रोवाइडेड होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और जो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा। अब इस प्रिमिटिव डेटा को हम बेसिक डेटा भी कहते हैं जो उस यानी सी लैंग्वेज के द्वारा हमें प्रोवाइडेड होता है। तो इस प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारा जो सबसे पहला डेटा होता है शॉर्ट फॉर्म में कैरेक्टर डेटा होता है। कैरेक्टर डेटा कहने का मतलब अल्फाबेट ए बी सी एक्स वाई जेड और सेट ऑफ कैरेक्टर। सेट ऑफ कैरेक्टर जैसे किसी का नाम राम कह रहे हैं तो राम में आर ए एम तीन कैरेक्टर अटैच है। सिंगल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। इस कैरेक्टर्स को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक को कहते हैं कैर और दूसरे को कहते हैं स्ट्रिंग। कैर का मतलब हो गया वैसा कैरेक्टर जिसमें सिंगल कैरेक्टर हो, वैसा कैरेक्टर डेटा टाइप जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को हम यूज़ करते हैं लाइक ए बी सी, और यदि मल्टीपल कैरेक्टर को हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को का जो हमारा स्पेसिफायर है वो स्पेसिफायर परसेंट एस होता है। अब ये स्पेसिफायर क्या है इसको हम लोग आगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ फॉर्मेट यूज़ करते हैं जिसकी कुछ साइज होती है, और वैसे ही चीज़ों को दिखाने के लिए हम स्पेसिफायर या क्वालिफायर्स को यूज़ करते हैं। दो टर्म यूज़ करें स्पेसिफायर और क्वालिफायर्स। तो स्ट्रिंग एक ऐसा सेट ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, मल्टीपल कैरेक्टर का पार्ट है जिसमें एक से अधिक कैरेक्टर होते हैं। एक से अधिक कैरेक्टर कहने का मतलब दो कैरेक्टर भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 255 भी हो सकते हैं, उससे भी अधिक हो सकते हैं एक्सेट्रा। तो इस तरह के डेटा को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं परसेंट एस से। इसी तरह से कैरेक्टर है, कैरेक्टर का साइज होता है 1 byte। 1 byte कहने का मतलब हो गया, आप जानते होंगे 1 byte का मतलब हो गया द सेट ऑफ एट बिट्स इज नोन एज ए 1 byte। और इसी तरह से इसको यदि हम डबल कर दें तो हमारा ये साइज बढ़ जाएगा 1 byte। बाइट बड़ी यूनिट है और बिट छोटी यूनिट्स है। यदि हम इसको डबल कर दें यानी 16 बिट्स कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 byte एंड सो ऑन। हम इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप जानते होंगे कि बिट बाइट क्या होता है। ये हमारा बिट का बड़ा यूनिट है बाइट, और इसके थ्रू हम डेटा का साइज बताते हैं। अब ये बिट क्या, बिट का मतलब है कि एक बिट से हम दो, बिट का मतलब होता है आइदर 0 और 1। तो एक बिट कहने का मतलब यदि हम एक बिट कह रहे हैं तो इस जगह पे हम डिफरेंट वैल्यूज आइदर 0 और 1 रख सकते हैं। यदि आपने कहा कि नहीं हमें 2 bit चाहिए तो 2 bit को हम इस तरीके से दिखा सकते, इस जगह पे 0 हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पे 1, इस जगह पे 0 और यहाँ पे 1, इस जगह भी 1। यानी यदि 2 bit लेकर के चले तो मेरे पास 4 possibilities बनते हैं। कहने का मतलब 4 information हमको मिल सकता है। और यदि हम 1 bit की बात करें तो हमको 2 information मिल सकता है। हम इसी तरह से सोच ले कि यदि हमारे पास 3 bit हो तो टोटल कितने इन्फॉर्मेशन और कितने डिफरेंट वैल्यूज को हम शो कर सकते हैं। तो यदि 3 bit हम लेते हैं तो 3 bit को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 0। सबसे पहले तो आप इस 4 को लिख लीजिए 0 0 0 1 1 0 1 1, और इसके पहले 4 times 0 लगा दीजिए। इसी तरह से आप फिर से इसी चीज़ को 0 से लेकर के 1 1 तक को राइट कीजिए 0 0 0 1 1 एंड 1 1, और इसके पहले 1 1 लगा दीजिए। तो
तीन बिट से इतने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अब इतने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज का मतलब हो गया, इसको काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 8। अब इसी तरह से यदि हम कहते हैं कि हमारे पास 8 बिट का डेटा है, तो इससे कितने डिफरेंट वैल्यूज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस जीरो का मतलब हो गया 0, इसका मतलब हो गया 1। इसी तरह से यहाँ पर यदि इसकी वैल्यू देखें तो इसकी डेसिमल वैल्यू 0 होगी, इसकी डेसिमल वैल्यू 1, इसकी डेसिमल वैल्यू 2 और इसकी डेसिमल वैल्यू 3। कहने का मतलब हम 0 से 3 तक के डिफरेंट वैल्यूज नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि इसकी बात करें तो इस जगह पे इसकी वैल्यू होगी 0, ये आपका 1, ये 2, ये आपका 3 है, इसकी डेसिमल वैल्यू 4 होती है, बाइनरी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू 5 है, ये 6 एंड 7। अब यदि इसको काउंट करेंगे तो 0 to 7, दैट इज 8। तो 8 डिफरेंट वैल्यूज शो कर सकते हैं। 3 बिट का डेटा यदि हम ले तो 8 डिफरेंट वैल्यू। अब सवाल है कि यदि हमारे पास 8 बिट हो तो कितने डिफरेंट वैल्यूज होंगे, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। इसकी फार्मूला क्या होती है कि 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स लिखते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ बिट्स। आप कहीं नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत काम का है और जरूरत पड़ सकती है कहीं पर। तो यदि 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स को हम लगाते हैं, जैसे हमने कहा कि 2 का पावर 1 है, तो आपके कितने डिफरेंट इंफॉर्मेशन होंगे, कितने डिफरेंट वैल्यूज होंगे, 2 होंगे, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। यदि आपके 1 बिट का डेटा हो तो इससे कितने डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलेंगे, 2 डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे लिख दें 2 और इसमें नंबर ऑफ बिट्स की संख्या 2 हो, तो इसकी वैल्यूज 4 हो जाएगी। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे 2 to the power 3 लिख दें नंबर ऑफ बिट्स, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया आपको, 3 बिट का डेटा लें तो हमको इससे 8 डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। अब सवाल है कि यदि हम 2 to the power 8 लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 2 to the power 8 यदि आप लिखते हैं तो इससे टोटल वैल्यूज आपको 256 डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। और यदि काउंटिंग करें हम लोग 0 से, तो इसका सबसे मिनिमम वैल्यू होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगा 255। तो कहने का मतलब कि 1 बाइट कहने का मतलब हो गया हम मैक्सिमम 256 डिफरेंट वैल्यूज को दिखा सकते हैं। हमारे पास जो कैरेक्टर्स होते हैं लाइक ABC XYZ, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो स्मॉल में 26 और कैपिटल में 26, टोटल 52 हो गए। और अदर सिंबल्स हो गए लाइक प्लस माइनस, इस तरह से डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो कैरेक्टर जो भी हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 1 बाइट का रिक्वायरमेंट होगा। आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिट का क्या इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से यदि 2 बाइट्स का हम कहें कि डेटा साइज है, तो 2 to the power 16 65,536 डिफरेंट वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हमने इसको 24 बिट्स कर दिया तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कैरेक्टर में 2 तरह के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं, कैर और स्ट्रिंग। कैर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस डेटा टाइप्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं वो होता है कैर। सी में हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं कैर, और स्ट्रिंग के लिए हम लोग कैर का एरे बनाते हैं। कैर के अंदर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट कहलाता है हमारा साइंड कैरेक्टर और दूसरा कहलाता है अनसाइंड कैरेक्टर। अनसाइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं वो %U है, और साइन को जिस फॉर्मेट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं वो %C है। तो साइन कहने का मतलब, अभी जस्ट हमने देखा कि कैरेक्टर का जो साइज है वो 1 बाइट का है, यानी 256 डिफरेंट वैल्यूज यूज करते हैं। यदि आप साइन यूज़ करते हैं तो आपके नंबर में हाफ नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, हाफ नंबर आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो वैसे केस में यदि साइन डेटा हम यूज़ करें तो इस साइन डेटा के लिए हमको जो रेंज मिलेगा,
इस साइन डेटा के लिए हमें जो रेंज मिलेगा वो -128 to 127। कहने का मतलब यदि हमने कैरेक्टर साइन कैरेक्टर यूज़ किया है तो साइन कैरेक्टर में मिनिमम आप -128 रख सकते हैं और मैक्सिमम 127। -128 to 0 आपके 128 हो गए, 128 हो गए, और 0 to 127 128 हो गए। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके टोटल जो वैल्यूज होंगे वो 256 हो जाएंगे। ये हमारा इसका रेंज होता है साइन कैरेक्टर का। और लिखते कैसे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन, ये मेरा कीवर्ड है, सॉरी साइन, साइन हमारा कीवर्ड है। आप देखे होंगे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था साइन कितने कीवर्ड्स होते हैं, साइन कैर, और इसके बाद हम यूज़ करते हैं किसी वेरिएबल का नाम या कांस्टेंट का नाम। मान लीजिए कि हम ए यूज़ करते हैं तो ए के अंदर में आप साइन कैरेक्टर रख सकते हैं, यानी वैसा कैरेक्टर जिसका वैल्यू -128 से लेकर 127 हो। यदि इससे पहले यानी इससे कम -129 रखेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो गार्बेज होगा, और 127 से अबव जाएंगे यानी 128, 130 यदि आप रखते हैं इस ए की वैल्यू तो ये गार्बेज वैल्यू देगा। इसके अंदर कौन सी वैल्यू रखी आपने, रखा 130, लेकिन ये क्या शो करेगा, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। लेकिन यदि आपने ए के अंदर में कोई वैल्यू रखा है, मान लीजिए कि 125, तो ये 125 शो करेगा, 125 पर जो भी ASCII कैरेक्टर्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे आप यदि ASCII कोड के बारे में जानते हैं तो वहाँ पे आप जानते होंगे कि जो कैपिटल ए होता है इसका ASCII कोड 65, और बी का आप एक और ऐड कर दीजिए 66 होगा, सी का 67 एंड सो ऑन। स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए का जो ASCII वैल्यू होता है वो आपका 97 होता है, तो स्मॉल बी का वैल्यू 98, और इसी तरह से जेड तक जाएंगे। अब जीरो को भी हम कहीं पे यूज़ करते हैं तो जीरो का जो वैल्यू होता है वो 48 होता है, 48 से स्टार्ट होते हैं, तो 48 पर जीरो ASCII कोड है, जीरो यदि आप टाइप करते हैं तो ASCII कोड 48 होता है। अब जब आप कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हो तो उसकी जो ये ASCII वैल्यू है वो इस सिस्टम की मेमोरी में स्टोर होगा, और जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो 65 का जो कैरेक्टर वैल्यू है ये वो डिस्प्ले करता है कैपिटल में। तो इस सी में आप कोई भी वैल्यू इस रेंज का रख सकते हैं। अनसाइंड का मतलब हो गया कि आप, अनसाइंड का मतलब हो गया हम प्लस और माइनस वैल्यू नहीं लेना चाहते हैं, तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 255, 0 to 255 आपके 256 हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर साइन और अनसाइंड का क्या मतलब होता है। अनसाइंड कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए अनसाइंड हमारा कीवर्ड है, हम लिखते हैं अनसाइंड, यू भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा यू जो है वो उसमें वैल्यू 0 to 255 वैल्यूज स्टोर हो सकते हैं। इससे लेस और इससे अबव वैल्यू यदि इस यू में आप स्टोर करते हैं, यू की वैल्यू यदि आपने लिख दिया यू इक्वल टू 300, तो यू के अंदर गार्बेज वैल्यू होगा, वो कोई नहीं बता सकता, ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। आप इसकी वैल्यू जब प्रिंट करेंगे एक्चुअल वैल्यू 300 शो नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि वो एक्चुअल वैल्यू शो करे तो आपको इसी रेंज का डेटा लेना होगा, जैसे मान लीजिए कि हमने 250 लिखा, ये 250 शो करेगा और स्टोर करेगा। तो ये इसकी मतलब होता है कि अनसाइंड यदि है तो उसके लिए हमारा रेंज क्या होगा, उसके लिए हमारा रेंज हो गया 0 to 255, यदि साइंड है तो -128 to 127, मिनिमम वैल्यू -128 और मैक्सिमम वैल्यू 127। इसी रेंज का डेटा हमारा इसमें रख सकते हैं, और इस अनसाइंड के केस में ये अनसाइंड डेटा वेरिएबल और कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम इस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। अनसाइंड भी कीवर्ड है और कैर भी कीवर्ड है, तो यहाँ पे हमने कैर यूज़ किया, साइन यूज़ किया, साइंड कैर, अनसाइंड कैर।
तो इस तरह से हम करेक्टर डेटा को डिफाइन कर सकते हैं, करेक्टर वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं एक्सेट्रा। अब इस नंबर में जो डेटा टाइप्स होते हैं, इस डेटा टाइप को भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक इंटीजर होता है जिसका कीवर्ड इंट है। जैसे यहाँ कैरेक्टर के लिए कीवर्ड कैर होता है, वैसे इंटीजर के लिए इंट यूज करते हैं। और इस इंटीजर डेटा के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट इंटीजर और दूसरा होता है लॉन्ग इंटीजर। शॉर्ट कहने का मतलब इसकी जो रेंज होगी शॉर्ट इंटीजर की वो कम होगी, और लॉन्ग इंटीजर कहने का मतलब उसका जो रेंज है वो अधिक हो। तो शॉर्ट इंटीजर को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए लिखेंगे शॉर्ट इंट और देन वेरिएबल नेम। इस शॉर्ट को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, साइंड और अनसाइंड। इसके अलग अलग रेंज होंगे, साइंड के केस में प्लस और माइनस होगा, और अनसाइंड के केस में सिर्फ आपके नंबर्स होंगे, कोई साइन नहीं होगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या होती है ये डिफाइन करना होता है। तो इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो अनसाइंड के केस में, चूंकि इसकी साइज हमारा 2 बाइट है, 2 बाइट कहने का मतलब हो गया कि हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई 2 to the power 16, 2 to the power 16, और 2 to the power 16 को आप कैलकुलेट करके देखिए, इसकी वैल्यू आएगी 65,536। जब इसको आप जीरो से काउंट करेंगे तो इसका रेंज हो जाएगा 0 to 65,535। तो ये इसका रेंज है। इस 2 बाइट का मतलब हो गया कि शॉर्ट इंटीजर का रेंज हमारा 0 to 65,535 अनसाइंड के केस में होगा, और अनसाइंड को हम परसेंट यूसेज हो सकते हैं। जितने भी अनसाइंड होंगे उसमें जो फॉर्मेट इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करेंगे वो फॉर्मेट हमारा परसेंट यू होगा, और अदर के लिए जैसे कैरेक्टर के लिए परसेंट सी, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस जो कि हमने वायलेट कलर में दिखाया है, और साइंड इंटीजर के लिए परसेंट डी को यूज़ करते हैं। परसेंट डी यदि साइंड इंटीजर को हम यूज़ करें तो ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो रेंज होगा हमारा -32,768 to 32,767। तो अब इस साइन करेक्ट इंटीजर को कैसे शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट इंट को, तो हम लिखते हैं शॉर्ट स्मॉल लेटर में, ये कीवर्ड है हमारा शॉर्ट इंट, और चूंकि साइन बनाना है तो आप लिखेंगे साइन, साइन भी हमारा कीवर्ड है, साइन शॉर्ट इंट, ये इसके फॉर्मेट हो गए। और इसके बाद आप कोई वेरिएबल का नाम डाल दीजिए, तो जैसे ए के अंदर, इस ए के अंदर, इसके अंदर का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन यदि आप इससे बिलो और इससे अबव रखते हैं, मान लीजिए 65,535 ए में डाल दें तो वो गार्बेज वैल्यू देगा, क्योंकि इसका रेंज नहीं अलाउ करता कि आप इससे अधिक वैल्यू रखिए। वही अनसाइंड यदि हम यूज़ करते हैं, अनसाइंड को यूज़ करने के लिए साइन की जगह पे हम यूज़ करेंगे अनसाइंड, अनसाइंड, और शॉर्ट के लिए हम यूज़ करेंगे अनसाइंड शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट। तो इस तरह से हम इस वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा 2 बाइट्स का और शॉर्ट का मीनिंग हो गया। और भी फर्दर हम लोग देखेंगे कि अदर डेटा टाइप्स का रेंज कितना होता है, उसका साइज क्या होता है। ये 2 बाइट इसकी साइज बताता है। एक चीज और, यदि आप चाहते हैं कि शॉर्ट इंट का साइज क्या है, हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है सी में जिसको कहते हैं साइज ऑफ, साइज ऑफ,
साइज ऑफ, यदि आप साइज ऑफ के अंदर डेटा टाइप्स डाल दीजिए, मान लीजिए कि हमने कैट डाल दिया, कैट डाल दिया, तो ये बताएगा आपको कि इसकी जो साइज है वो 1 byte है। यदि हम इस कैट की जगह पे केवल इंट लिख दें, इंट का मतलब हो गया शॉर्ट इंटीजर, और साइन शॉर्ट इंट, साइन भी हमारा डिफॉल्ट वैल्यू है, शॉर्ट भी डिफॉल्ट है, तो हम यदि सिंपल इंट भी लिखते हैं, सिंपल इंट भी लिखें, तो इसका भी मीनिंग यही होगा, साइन शॉर्ट इंट, साइन शॉर्ट इंट, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। शॉर्ट इंट भी लिखें तो भी इसका मीनिंग साइन शॉर्ट इंट ही है, इंट केवल लिखे तब भी इसका मीनिंग है, क्योंकि शॉर्ट और साइन हमारा डिफॉल्ट होता है, तो यदि डिफॉल्ट वैल्यू नहीं भी लिखे तब भी हमारा जो वेरिएबल होगा वो उसी कैटेगरी का होगा। तो हम इस इंट का यदि साइज पता करना चाहें तो हम लिखेंगे साइज ऑफ, ये हमारा फंक्शन है, साइज ऑफ बहुत काम का फंक्शन है, हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और डेटा स्ट्रक्चर यदि यूज़ कर रहे हैं तो इसके बगैर तो काम करना मुश्किल हो जाता है। साइज ऑफ इंट, तो साइज ऑफ इंट ये आपको बताएगा 2 byte। ये इस तरह से आप किसी भी डेटा टाइप को यहाँ पे रख दें, इस जगह पे किसी भी डेटा टाइप को रख दें, इवन वेरिएबल को रख दें, जैसे मान लीजिए कि हमने शॉर्ट इंट में, शॉर्ट इंट में ए को डिफाइन किया, और हम जानना चाहते हैं कि ए का साइज क्या है, ए में हम कितना बड़ा वैल्यू रख सकते हैं, तो लिखेंगे साइज ऑफ, साइज ऑफ ए, तो ये आपको बता देगा, चूंकि शॉर्ट इंट है इसलिए इसका साइज भी 2 byte है। तो इस तरह से आप साइज ऑफ के थ्रू उसका साइज पता कर सकते हैं। फिर भी एग्जामिनेशन और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से साइज आपको पता रहे, इसलिए हम हर एक कैरेक्टर के पहले में उसका साइज बताते हैं। स्ट्रिंग का कोई साइज फिक्स नहीं होता, इसलिए इसमें हम कोई साइज नहीं बताया, लेकिन कैर डेटा का साइज 1 byte, शॉर्ट इंटीजर की बाइट 2 bytes होती है। आगे चलकर हम लोग और देखेंगे कि ये भी वैरी करता है, और वो वैरी करेगा डिफरेंट प्रोसेसर पर। प्रोसेसर का वर्ड लेंथ क्या है, प्रोसेसर का वर्ड लेंथ यानी कि प्रोसेसर आपका जो सिस्टम है एक बार में कितने डेटा को हैंडल कर सकता है, वो उसका वर्ड लेंथ कहलाता है। तो वर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग इस शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट का साइज बदलेगा। हम ये डॉस में जो हम सी यूज़ करते हैं, जिसका वर्ड लेंथ होता है 16-bit प्रोसेसर, तो 16-bit प्रोसेसर पर जब आप काम करेंगे तो उसका ये साइज बता रहे हैं। अदर प्रोसेसर्स पर इसके साइज क्या होंगे, जैसे 32-bit का प्रोसेसर हो सकता है, 64-bit आजकल पॉपुलर है, तो वहाँ पे ये साइज वैरी करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग लास्ट में डिस्कस। इंटीजर का ये शॉर्ट डेटा टाइप हुआ जिसकी साइज 2 bytes है, इसके 2 categories होंगे, साइन और अनसाइन दोनों की रेंज हमने आपको बता दिए। अब इसी में इंटीजर के एक और भी कैटेगरी है जिसको कहते हैं लॉन्ग इंट। अब इस लॉन्ग इंट के भी 2 parts होते हैं, साइन और अनसाइन। लॉन्ग इंट का जो साइज होगा वो 4 byte होगा, और इसमें यदि साइंड लॉन्ग इंट को यूज़ करते हैं तो उसकी रेंज अलग होगी, और अनसाइन लॉन्ग को यूज़ करते हैं उसकी साइज अलग होगी। तो लॉन्ग इंट इसकी जो साइज होगी वो साइन लॉन्ग इंट का रेंज अलग होगा, और अनसाइन लॉन्ग का रेंज अलग होगा। तो इसमें साइंड और अनसाइंड ये 2 हमारे कैटेगरीज होंगे। इसकी जो फॉर्मेट होती है किसी जगह पे इनपुट आउटपुट में शो करने के लिए, साइंड लॉन्ग इंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इनपुट आउटपुट में %LD को यूज़ करते हैं, और अनसाइंड में %LU को यूज़ करते हैं। लॉन्ग इंट यदि हमने बताया है तो इसमें टोटल 4 bytes लगेंगे, 4 bytes का मतलब हो गया 32 bits, और इस 32-bit का जो वैल्यू होगा 2^32, इस तरह से यदि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका अनसाइंड के केस में, हम लिख सकते हैं साइंड के केस में भी, ओके, 2^32,
यदि 32 को यूज़ करें तो इसकी टोटल वैल्यूज जो होती है वो करीब 429, इस लॉन्ग इंटीजर में 4 बाइट का वैल्यू हो गया 2 to the power 32, और इसका जो टोटल वैल्यू होता है वो इतने के बराबर है। आप इसको काउंट कर लेंगे, और यदि इसमें से एक वैल्यू घटा दे, 0 से इसको काउंट करें तो 0 to ये वैल्यू होगा। तो ये रेंज हो गया अनसाइंड लॉन्ग इंट का हमारा ये साइज है। और यदि इसको हम साइंड के केस में देखें तो वैसे केस में इसकी रेंज, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, -1477, यहाँ से एक कम हो जाएगा 647, ये रेंज हो गया हमारे साइन लॉन्ग इंटीजर का। तो साइन लॉन्ग इंटीजर के केस में हम जो वैल्यू रख सकते हैं वो ये रेंज होगा, ये वैल्यू हो गया हमारे इस साइन के लिए, इसके लिए। और ये जो रेंज हमारा है, ये रेंज हमारा हो जाएगा अनसाइन के केस में। और इससे अबव और इससे लेस, यदि वैल्यू हम अनसाइन में रखें, अनसाइन में इससे अबव वैल्यू और इससे लेस वैल्यू रखें तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, गार्बेज वैल्यू होगा। साइन के केस में यही रेंज हमारा होता है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे किसी वेरिएबल को अनसाइन, तो लिखेंगे हम साइन, यदि बनाना चाहते हैं तो कीवर्ड साइन, और इसके बाद लिखेंगे लॉन्ग या शॉर्ट, दो में से कोई एक। तो अभी हम लॉन्ग बना रहे हैं, लॉन्ग लिखेंगे, और देन हम डेटा टाइप देते हैं इंट। और इसके बाद आप कोई भी वेरिएबल का नाम, कॉन्स्टेंट का नाम डाल सकते हैं। तो इस ए की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इसके अंदर का वैल्यू होना चाहिए, ये वाली वैल्यू में से कोई एक होना चाहिए, इससे अबव लेस ये गार्बेज वैल्यू देगा। और यदि आप चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू हमारा स्टोर्ड हो तो इस साइन के पहले अनसाइन कर दें, तो अब हमारा ये कीवर्ड है ये अब इस रेंज का वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ये इसका कंसेप्ट है। हर एक डेटा टाइप की क्या रेंज है किसी पर्टिकुलर प्रोसेसर पर, ये भी हम कुछ देखेंगे। डिफरेंट प्रोसेसर पर इसके क्या रेंज होते हैं ये भी हम लोग आगे देखेंगे पूरी डिटेल्स में। देन नंबर के अंदर हमारे पास जो अदर डेटा टाइप्स हैं वो डेसिमल है, और इस डेसिमल में हमारे पास पहला जो वैल्यू होता है, टाइप होता है, वो फ्लोट कीवर्ड है। आप इसको परसेंट एफ से भी दिखा सकते हैं, परसेंट ई से भी दिखा सकते हैं, परसेंट जी से भी दिखा सकते हैं। परसेंट एफ कहने का मतलब वो जो वैल्यू होगा वो डेसिमल वैल्यू होगा, लाइक 2, 3, 4 point something। और ई यदि आप कहते हैं तो परसेंट ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मीनिंग है कि शायद जानते होंगे आप, एक्सपोनेंशियल का मतलब हो गया जैसे आप 1, 2, 3, 4 point 25 लिख रहे हैं। तो ये इस फॉर्मेट में यदि आप यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे केस में आप परसेंट एफ फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से दिखाएं, इस डेसिमल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.23425 × 10⁻¹⁰। आपने डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है, 3 digit शिफ्ट किया है, तो 10⁻³। यही चीज़ आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दोनों नंबर सेम है। तो ऐसा फॉर्मेट चाहिए तो उस केस में आप परसेंट एफ को यूज़ करते हैं। लेकिन आप इस फॉर्मेट में चाहते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इस फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप परसेंट ई को यूज़ कीजिए। परसेंट एफ और ई में दोनों में किसका रेंज कम है, यदि परसेंट एफ में जो एक्चुअल रेंज है उसमें और भी इंटीजर डेटा हम यहाँ पे रख सकते हैं, इसमें भी आप और भी मेंटिसा वगैरह को रख सकते हैं, तो इन दोनों को यूज़ करने में सबसे मिनिमम स्पेस किस में लगा,
इन दोनों में से मिनिमम स्पेस इसमें लग रहा है या इसमें लग रहा है। तो जनरली हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम जब भी कोई डेटा फॉर्मेट यूज करें तो मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम डेटा यूज। तो यदि आप चाहते हो कि इस दोनों में जो मिनिमम रेंज ले रहा है, मिनिमम स्पेस ले रहा है, वो वाली यूज हो, तो आप परसेंट जी को यूज कर दीजिएगा। इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो इसको रख लेगा। अब फ्लोट का जो साइज होता है वो हमारा 4 बाइट का है। 4 बाइट कहने का मतलब हो गया 32 बिट्स। अब इस 32 बिट्स को डेसिमल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, मेंटिसा पार्ट कितना होगा, ये सब चीज़ को हम लोग डिसाइड करते हैं। और इसका रेंज हम अगले स्लाइड में देखेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम किल हो जाता है यहाँ रेंज बताने पर। नेक्स्ट जो हमारा डेसिमल में टाइप होते हैं उसको कहते हैं डबल, और इसका जो फॉर्मेट होता है परसेंट एलएफ, और इसकी साइज होती है 8 बाइट। देन नेक्स्ट होता है लॉन्ग डबल, जिसका फॉर्मेट होता है परसेंट एलएफ और इसकी साइज होती है 10 बाइट्स। हम ये परसेंट एलएफ, 10 बाइट्स, ये सब को और आगे डिटेल्स में देखेंगे। देन जो हमारा डेटा टाइप्स होता है वो होता है प्रिमिटिव में वैल्यूलेस, और इस वैल्यूलेस का जो साइज है, जनरली लोग उस डेटा का साइज नहीं बता पाते। आप किसी भी सी जानने वाले में से पूछिएगा तो मैक्सिमम आपको बताएंगे कि वैल्यूलेस कोई डेटा नहीं होता है, लेकिन यहाँ वैल्यूलेस डेटा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं वॉइड। इस वॉइड में कोई डेटा टाइप नहीं है और कोई वैल्यू नहीं होती इसकी, लेकिन इसकी साइज के बारे में भी लोग नहीं जानते हैं, और इसकी साइज होती है 1 बाइट, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो वॉइड इसके पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में। वॉइड क्या है, ये एक डेटा टाइप है और इस डेटा टाइप में कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी साइज 1 बाइट। देन जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में जो हमारा पहला डेटा टाइप्स होता है जिसको कहते हैं डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप कहने का मतलब जो बेसिक डेटा टाइप है, इसी डेटा टाइप में कुछ वैल्यू ऐड वगैरह करके हम इस डिराइव डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, जिसमें कि पहला होता है एरे, दूसरा पॉइंटर, फंक्शन और रेफरेंस। ये 4 तरह के डिराइव डेटा टाइप है। दे आर बेस्ड ऑन दिस प्रिमिटिव डेटा टाइप और बेसिक डेटा टाइप, इसी के हेल्प से हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आप देखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि इंटीजर, आप इंटीजर लिखे हैं, यानी कि आप यूज कर रहे हैं शॉर्ट साइन इंटीजर, ये वाली डेटा टाइप। इस डेटा टाइप में कौन है सो आप देख लीजिए, साइन शॉर्ट इंट, ये इसका मीनिंग हो गया। लेकिन शॉर्ट और साइन डिफॉल्ट है, इसलिए हम इसके पहले लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इंट ए लिखा तो ए में कोई एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 के स्टूडेंट्स के रोल नंबर इंटीजर टाइप के हैं, 10ों का डेटा हम रखें, तो यदि फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा ए में रखेंगे और इसके बाद इसी ए में दूसरे स्टूडेंट का डेटा मान लीजिए कि 1 रख दिया हमने, और फिर कहीं पर आपने ए इक्वल टू 2 कर दिया, तो फिर 1 का वैल्यू हट जाएगा। जो करंट वैल्यू लास्ट में रखेंगे वही वैल्यू इस ए में रहेगा और बाकी सारा डिलीट होगा। हम चाहते हैं कि सबका वैल्यू स्टोर हो, तो हम इसका एक एरे बना लेंगे। हमारे पास 10 स्टूडेंट है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 10। इसका मतलब हो गया कि ये जो वेरिएबल है इसमें 10 तरह के इंटीजर वैल्यू हो गए। पहला जो इंटीजर वेरिएबल होगा वो A0, और A0 पर आप पहले वाले का रोल नंबर रख दीजिए। इसी तरह से दूसरा हो गया A1, और A1 पर आप दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर रख दीजिए। तो एक ही वेरिएबल नेम में हम अब 10ों स्टूडेंट के रोल नंबर को रख सकते हैं। इसका सबसे लास्ट वैल्यू होगा 9, 0 to 9 10 वैल्यू हो गए, यहाँ पर आप 10 रख। तो इस तरह से एक वेरिएबल नेम से हम 10 इंटीजर वैल्यू रख लिए। तो इस तरह का जो काम हम लोग करते हैं दैट इज कॉल्ड एरे। और पॉइंटर भी हम लोग देखेंगे डिटेल्स में, हर एक को हम फिर 1 by 1 एक्सेस करेंगे, जिसमें से मैक्सिमम जो हमारा इम्फेसिस होगा डिराइव डेटा टाइप,
और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये दो पर मैक्सिमम इम्फेसिस होगा। और आप देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से एरे को यूज़ करते हैं, पॉइंटर को यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं, रेफरेंस यूज़ करते हैं एटसेट्रा। तो ये एक एरे का एग्जांपल हो गया और इस तरीके से हम एरे डिफाइन करते हैं। तो 10 इंटीजर वेरिएबल, 10 इंटीजर, यदि यही काम आप अलग अलग करते तो इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी अप टू जे तक आप जाते हैं। तो 10 डिफरेंट वेरिएबल को याद करना, याद रखना पड़ता कि ए में पहले वाले का रोल नंबर है कि बी में दूसरे वाले किसका रोल नंबर, ये पता करना भी कठिन था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ अब ये फिक्स हो गया कि 0 पे पहला होगा, 1 पे दूसरे का होगा। जितना यहाँ साइज है एरे का, इसको कहते हैं इंडेक्स, ये जो 0 1 है इसको कहते हैं एरे इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स यानी पोजिशन। और ये हो गया एरे का नाम, एरे नेम। तो एरे नेम ए है, इसके 0 इंडेक्स पर रोल नंबर 1 है, 1 इंडेक्स पर 2 है, 9 इंडेक्स पर 10 है एंड सो ऑन। तो इस तरह से एरे को डिफाइन करें। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम इंडिविजुअल डेटा टाइप पे नहीं जाएंगे। इसकी साइज भी डिपेंड करता है आपने कैसे बताया है, किस तरह से रेफरेंस लिया है उसके अकॉर्डिंग। देन जो नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप होता है दैट इज़ कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, जिसमें हमारा होता है एनुमरेशन, एरे का ही पार्ट है, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर, देन यूनियन, और लास्ट में होता है टाइप डेप। अब इन सारे डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिटेल्स में हम आगे 1 by 1 देखेंगे, इसलिए आप ज़्यादा चिंतित ना हो। यहाँ मेन इम्फेसिस बेसिक डेटा टाइप का है। यदि आप बेसिक डेटा टाइप जानते हैं अच्छी तरह से तो नॉन प्रिमिटिव को बनाना बहुत ही आसान काम है, और हम एक एक करके ये सारी चीज़ें डिफरेंट डेटा टाइप्स से रिलेटेड थी। अब इनके रेंज के बारे में हम देखते हैं कि हर एक डेटा टाइप्स का रेंज क्या होता है। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैव डिफरेंट रेंजेस, दीज रेंजेज में वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर ड्यू टू प्रोसेसर आर्किटेक्चर। अब प्रोसेसर आर्किटेक्चर कहने का मतलब हो गया उसका वर्ड लेंथ क्या है, वर्ड लेंथ 16 बिट का है या 32 बिट का है या 64 बिट का है। तो जो हमारे पास कंपाइलर, फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं जिसमें एक कंपाइलर GCC था, तो GCC कंपाइलर 16 बिट का भी कंपाइलर है, 32 बिट का भी कंपाइलर है और 64 बिट का भी है। तो इंट का ही 32 में अलग मीनिंग होगा, 16 बिट में अलग होगा, 64 में अलग होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है फॉर दीज रेंजेज मे वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर ड्यू टू प्रोसेसर आर्किटेक्चर। फॉर द 32 बिट GCC कंपाइलर रेंजेज अलॉन्ग विद द मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर आर लिस्टेड बिलो। जो चीज़ हम ऊपर डिस्कस किए हैं वो 16 बिट GCC कंपाइलर के लिए था, डॉस बेस्ड और यूनिक्स के लिए। अब यदि आपका कंपाइलर 32 बिट्स का है तो उसके लिए हम यहाँ पर ये रेंज लिख रखे हैं, साइंड कैर इसका 1 byte रेंज यही होगा, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो वहाँ पे डिफरेंट कलर में दिखाया था वो परसेंट सी। अनसाइंड कैर का यू, इसकी रेंज यहाँ है, इसकी साइज इन बाइट्स दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट रख ले तो बहुत हेल्पफुल होगा, ये 32 बिट के लिए रेंज दिया हुआ है। शॉर्ट इंट का कितना होगा वो पहले भी बता चुके हैं, इसको परसेंट HDD का परसेंट DB कह सकते हैं। अनसाइंड शॉर्ट इंट में ये आपका होता है परसेंट HU या परसेंट U। इंटीजर सिंपल 4 बाइट्स के होते हैं, इसकी रेंज ये है, परसेंट D यूज़ करते हैं। अनसाइंड इंट के लिए परसेंट U यूज़ करेंगे, लॉन्ग इंट के लिए परसेंट LD, और इसके रेंज दिए हुए हैं। अनसाइंड लॉन्ग इंट इसका 4 बाइट्स और ये इसका रेंज है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कुछ और नए C99 में ISO C99, बहुत सारे डिफरेंट ISOs के वर्सन्स निकलते रहते हैं। आप ISO C99 या NC C99 को सर्च करेंगे नेट पर तो आपके C लैंग्वेज में कौन कौन सी नई चीज़ें ऐड की गई हैं। उसमें डेटा टाइप में एक डेटा टाइप ऐड किया गया है लॉन्ग लॉन्ग इंट, जो पहले नहीं था, ये NC C99 वाले वर्सन में आए हैं।
अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग इंट, ये भी नया है। तो इसका साइज 8 बाइट्स है, इसका साइज 8 बाइट्स है, इसकी रेंज यहाँ पे दी हुई है, ये आप समझ सकते हो, ये भी रेंज दी हुई है, और इसका जो फॉर्मेट होगा परसेंट LLD परसेंट LLU होगा। फ्लोट का 4 बाइट्स होता है, जो 16 बिट में भी था, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.2, हमने डेसिमल में दिखाया था, ये साइंटिफिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाया है, और इसको परसेंट F दिखाते हैं। डबल का रेंज हमारा ये है, इसको परसेंट LF, और लॉन्ग डबल को हम परसेंट कैपिटल LF से डिनोट करते हैं, जिसकी रेंज और डेटा साइज फॉर्मेट स्पेसिफाई। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, हेल्पफुल होगा, लेकिन ये C99 के लिए दिया हुआ है, अदर के लिए अलग से, 16 बिट के लिए अलग, 32 बिट्स के लिए अलग। साइज ऑफ शॉर्ट इंट, इंट लॉन्ग इंट, एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसी तरह से फ्लोट के भी रेंज वगैरह डिफर कर सकते हैं। साइज ऑफ शॉर्ट इंट जनरली तीन तरह के, शॉर्ट इंट, इंट लॉन्ग इंट, डेटा टाइप्स ऑन डिफरेंट मशीन्स, डिफरेंट मशीन यानी 16 बिट मशीन है, 32 बिट मशीन है, 64 बिट है, तो शॉर्ट इंट का 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट, शॉर्ट इंट में कोई चेंजेज नहीं आता किसी भी मशीन के चेंज होने पर, लेकिन इंटीजर का साइज बदल जाता है। यदि आप यूज़ कर रहे हैं 16 बिट, तो वहाँ पे इंट का साइज होता है 2 बाइट्स, लेकिन 32 और 64 बिट पर इसका 4 बाइट्स होते हैं। लॉन्ग इंट का 16 बिट पर 4 है, 32 पर भी 4 है, लेकिन लॉन्ग इंट का 64 बिट पर आपका 8 बाइट्स हो जाता है। तो ये हम एक एग्जांपल दिए, इसी तरह से और भी है, यदि टोटल हम डेटा टाइप देखने लगे तो काफ़ी समय लग जाएंगे। ये जस्ट एक रेफरेंस है आपके नॉलेज के लिए, इतने वेराइटीज़ हैं। अब किसी का डिटेल्स यदि आप जानना चाहते हो तो उसके लिए नेट को आप सहारा ले सकते हो, या किसी टेक्स्ट बुक का सहारा ले सकते हो। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये पता नहीं होता कि ये वैरी क्यों कर रहा है और कहाँ है, क्यों ऐसा है, तो उस वजह से वो उनकी नॉलेज काफ़ी कम होती है। तो हम आपके नॉलेज को इन्हांस करेंगे। इतनी डिटेल्स में आई थिंक कि वीडियो पर डेटा टाइप्स इतनी डिटेल्स में नहीं होंगे, और भी डिटेल्स इसके हैं, लेकिन वो आप टेक्स्ट बुक से लीजिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, और वो एग्जांपल यहाँ ये है कि सी प्रोग्राम है, इट हैज इंक्लूड stdio, इंक्लूड conio.h void main, और इंटीजर वैल्यू हमने इंट पी लिखा। एक्चुअली इंट का मतलब हो गया शॉर्ट, साइन शॉर्ट इंट, लेकिन डिफॉल्ट हम इंट भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों मीनिंग सेम है। पी की वैल्यू 15 लिया, फिर इसी तरह से साइन शॉर्ट इंट एन, यहाँ नेगेटिव वैल्यू लिया चूँकि साइन ले रहे हैं। अनसाइंड इंट यू, अनसाइंड चूँकि डिफॉल्ट नहीं है इसलिए लिखना पड़ेगा यू, जिसमें हम 99 रख लिया। लॉन्ग इंट, लॉन्ग इंट भी डिफॉल्ट नहीं है इसलिए लॉन्ग इंट लिखना होगा, वेरिएबल नेम एल है और इसमें हमने ये वैल्यू लिया। इसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑफ, आपको कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं, तो साइन के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर था, आप प्रीवियस वीडियो बैक करके देखिएगा, परसेंट डी बताया था, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो परसेंट डी यूज़ करते हैं। साइन शॉर्ट इन के लिए, साइन शॉर्ट इन के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा परसेंट डी है, जब भी डिस्प्ले कराना हो शॉर्ट साइन इन का तो उसके लिए परसेंट डी, तो इस परसेंट डी की जगह पर इस पी की वैल्यू आएगी। पी की वैल्यू क्या है 15, तो ये लिखेगा पॉजिटिव इंटीजर 15। इसी तरह से प्रिंट ऑफ नेगेटिव इंटीजर परसेंट डी की जगह पे एन, अनसाइंड की जगह पे ए, और लॉन्ग इंटीजर की जगह पे परसेंट LD, ये हमारा फॉर्मेट है। और भी डिटेल्स हम लोग जब प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे, ये इंट्रोडक्शन है डेटा टाइप का, तो वहाँ पे डिटेल्स सबके बारे में देखेंगे। इसी का जो आउटपुट हमारा आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, पॉजिटिव इंटीजर 15, नेगेटिव -15 एट्सेट्रा। अब जब भी आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट स्पेसिफायर और क्वालिफायर्स होते हैं, जिसमें टाइप क्वालिफायर्स, जैसे कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है तो कॉन्स्ट, यदि उसकी वैल्यू डिलीट होने वाली है तो वोलाटाइल, और रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकते हैं। साइन स्पेसिफायर में यदि प्लस माइनस यूज़ करना चाहते हैं तो साइन स्पेसिफायर लगाते हैं डेटा टाइप के पहले, और यदि आप प्लस माइनस यूज़ नहीं करना चाहते तो अनसाइन लगाते हैं।
देन साइज स्पेसिफायर, जैसे किसी वेरिएबल का साइज छोटा होगा, कम इंटीजर वैल्यू रखेंगे या अधिक वैल्यू रखेंगे, इसके लिए शॉर्ट और लॉन्ग यूज़ करते हैं, जैसा ऊपर में आप